किसान आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली बॉर्डर्स पर तमाम तरह की सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर जहां पुलिस बल तैनात किया है, तो वहीं उसका असर अब गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बढ़ाई गई सख्ती का असर हो रहा है और कहीं ना कहीं लंबा जाम गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। ये बॉर्डर की तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की हुई है और तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के द्वारा आह्वान किया गया था दिल्ली पूछ का, जिसको लेकर दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, कई जगह बॉर्डर को सील किया गया। लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो 4 लेन ये सड़क है, लेकिन सिर्फ 2 लेन ही लोगों के लिए खोली गई है, जिसके कारण जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। सैकड़ों वाहन इस वक्त इस जाम का शिकार हो रहे हैं, हजारों लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। अब सुबह से ही इस तरह की जाम की तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है। वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई भी संदिग्ध वाहन अगर यहां से दिल्ली में प्रवेश कर रहा है तो उस वाहन की जाँच की जा रही है, उस वाहन की एंट्री रजिस्टर में की जा रही है और बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ तमाम जो फोर्सेज हैं वो भी तैनात हैं। हालांकि ये एक रोता ऐसा बॉर्डर था जहां पिछले जब किसान आंदोलन जब पहले हुआ था, जिसका असर यहां पर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार भी किसी तरह की कोई चूक जो है वो दिल्ली पुलिस करने के इरादे में नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर अभी से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, अभी से ही अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि गुरुग्राम से आगे राजस्थान का तमाम इलाका पड़ता है और राजस्थान के जो किसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल बॉर्डर पर सख्ती जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा देखी जा सकती है। बहरहाल सुबह 8 बजे से ही इस तरह की जाम की तस्वीर गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अल्टरनेटिव रूट जो है वो अपनाएं, जो डाइवर्जन किया गया है पुलिस के द्वारा उससे आप सफर करें, क्योंकि बेहद ही व्यस्तम हाईवे है ये, जयपुर को ये हाईवे जोड़ता है, इसलिए अगर आपको जयपुर जाना है तो आप अन्य विकल्प को अपनाते हुए जयपुर के लिए निकले। लेकिन फिलहाल अब गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा सख्ती देखने को मिल रही है।